पीएम मोदी की सुरक्षा च वड्डी चूक, काफले दे अगे नौजवान ने मारी छाल, सुरक्षा एजेंसियां नूं पै गईयां भाजड़ां, पीएम दी गड्डी दे नेड़े पहुंच गया सी नौजवान। इस वेले दी वड्डी खबर वाराणसी तों सामने आ रही है, जिथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा विच वड्डी अणगहली हो गई। दरअसल जदों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफला हवाई अड्डे लई जा रहा सी, तां इसे दौरान एक नौजवान दे काफले दे अगे छाल मार दित्ती। काफले दीआं गड्डियां अगे नौजवान नूं खड़ा देख सुरक्षा एजेंसियां नूं भाजड़ां पै गईआं। हैरानी की गल है कि वह नौजवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गड्डी तो महज 10 फुट की दूरी पर मौजूद सी, पर इस तो पहला ही पुलिसकर्मियों ने चौकसी दिखाउंदिआं तुरंत उस नौजवान नूं फड़ के पासे कर दिता अते गिरफ्तार कर लिया। हुण SPG वल्लों उस नौजवान कोलों पुछगिछ की जा रही है। जानकारी अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफले अगे कुद्दिया यह नौजवान भाजपा का ही एक वर्कर दस्या जा रहा है। गाजीपुर का रहने वाला यह नौजवान फौज में नौकरी की मंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलना चाहता था, पर अधिकारित तौर पर इस गल की अज तक पुष्टि नहीं हो सकी। गिरफ्तार किए गए नौजवान को भाजपा प्रधान JP नड्डा के प्रोग्राम में ID कार्ड बरामद होया है। दरअसल यह घटना वाराणसी में रुद्राक्ष सेंटर के बाहर उस समय वापरी जदों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई अड्डे के लिए जा रहे सन। दस दईए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में 6 घंटे के करीब मौजूद रहे, जिस कारण उन्होंने 3 प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। सब तो पहला उन्होंने 450 करोड़ की लागत नाल तैयार होने वाले क्रिकेट स्टेडियम का नींह पत्थर रखा। इस दौरान क्रिकेट के लीजेंड सचिन तेंदुलकर, सुनील गवास्कर, दिलीप वैगसकर भी उन्होंने नाल मौजूद सन। सचिन तेंदुलकर वालों PM मोदी को नमो लिखी हुई जर्सी भी भेंट की गई। फिलहाल PM मोदी के काफले दौरान वापरी घटना SPG वालों गंभीरता लिया जा रहा है। इस मामले की डूंघाई पड़ताल की जा रही है।